बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। हजरत मूसा ने जब देखा कि बार बार फिरौन के पास जाने और उसे नसीहत करने के बावजूद भी वो तो टस से मस नहीं हो रहा, तो उसकी नफ्सियात को मद्देनजर रखकर फिरौन को एक पेशकश की। जाहिर है जमाने के नबी से बड़ा माहिर नफ्सियात कौन हो सकता है, हर नबी अपने जमाने में हर फन में कमाल रखता है, और फिर खासकर हजरत मूसा तो फिरौन ही के घर में पले थे, बड़े थे, वो तो वैसे भी उसकी एक एक हरकत से, एक एक ख्वाहिश से वाकिफ थे। अल्लाह के नबी ने फिरौन को एक बड़ी पुरकशिश पेशकश की। आपने फिरौन से फरमाया, अगर कायनात के रब पर ईमान ले आओ तो इसके अवज जाहिर है तुम्हारी आखिरत तो सवर ही जाएगी, लेकिन इस दुनिया में भी तुम्हें चार नेमतों से नवाजा जाएगा, चार नेमतों से। अब ये बेताब हो गया, इसलिए नहीं कि उसे ईमान लाने की जल्दी थी, बल्कि इसलिए कि वो ये पेशकश जल्दी से सुनना चाहता था। उसने कहा, जल्दी बताओ वो चार नेमतें कौन सी हैं। हजरत मूसा ने जवाब दिया, कहा, अगर तू कायनात के खालिक पर ईमान ले आए तो तुझे पहली नेमत ये मिलेगी कि तू हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेगा, बीमारी कभी तेरे करीब तक नहीं आएगी। दूसरी नेमत ये कि तुझे मेरा खुदा एक लंबी उम्र अता करेगा और इस दौरान तेरे लिए खुशहाली ही खुशहाली होगी, कभी तंगी नहीं देखोगे। तीसरी ये कि खुदावंद करीम तुम्हें मशरिक व मगरिब की बादशाहत अता करेगा। ऐ फिरौन, तू जरा सोच कि जिस खुदा के फजल ने तुझे तेरे जुल्म की हालत में इस कदर दिया है, उसकी अता वफा की हालत में क्या होगी। और चौथी नेमत ये कि तू हमेशा जवान रहेगा, तेरे बाल स्याह रहेंगे हमेशा। ये बातें सुनकर फिरौन बड़ा मुतासिर हुआ, दिल में तो बड़ा मुतासिर हुआ, लेकिन हजरत मूसा के सामने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए हजरत मूसा से ही कहा कि अच्छा, मैं इस पेशकश का जवाब जरा कुछ लोगों से मशवरा करने के बाद दूंगा। सबसे पहले अपनी अहलिया जनाब आसिया के पास आया, उनसे सारा माजरा बयान किया। हजरत आसिया ने कहा, फिरौन तुझे मुबारक हो, हक ताला की रहमत तेरे ऐब छुपाना चाहती है, उस करीम का करम तुझ जैसे सरकश को याद कर रहा है। देर किस बात की है, सोचना किसका है, तुझे किससे मशवरा लेने की जरूरत है। फौरी तौर पर हजरत मूसा की पेशकश कबूल कर ले। आपने एक बात नोट की होगी कि नमरूद हो या फिरौन, शद्दाद हो या कारून, जब इनकी मुखालिफत में कभी कोई दलील आए, पहले तो किसी में जुरत नहीं थी कि इनके खिलाफ कोई बात करे, लेकिन अगर कोई इब्राहिम, मूसा या आसिया की शक्ल में इनको आईना दिखाता तो ये भी अपनी मंतिक झाड़ने की कोशिश जरूर करते, बेशक वो कितनी भोंडी और खोखली मंतिक हो। बहरहाल फिरौन ने जनाब आसिया की खरी खरी बातें सुनी तो गुस्से से लाल पीला हो गया, कहने लगा, सारी दुनिया मुझे खुदा मानती है, या मूसा नहीं मानता या तुम नहीं मानते। हजरत आसिया ने कहा, मेरा खुदा पूरी कायनात का खालिक है, तुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तू एक एक मछली बना सके। उसने कहा, अच्छा आसिया, मुझे मुझे कमरे में जाने दो, मैं अभी एक मछली बनाता हूं। हजरत आसिया ने कहा, अच्छा ये तू कैसा खुदा है जो कमरे में जाकर मछली बनाता है। उसने कहा, भाई तेरे खुदा का अपना तरीकेकार है, मेरा अपना तरीकेकार है। कहा, ठीक जाओ कमरे में। कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, अपनी पगड़ी उतारी, ऊपर निगाह की, अल्लाह ताला से मुखातिब हुआ। कहता है, परवरदिगार मुझे भी मालूम है कि खालिक तो तू है, मुझे भी मालूम है खालिक तो तू है, मेरी इज्जत रख ले, मुझे एक मछली दे दे। फिरौन ने कहा और एक तड़पती हुई मछली उसके हाथ में आ गई। फिरौन जैसे
जो फिरौन जैसे दुश्मन पर भी इनायत करे उसे खुदा कहते हैं। मछली लेकर बाहर आया और हजरत आसिया से कहने लगा, ये लो मछली बना। हजरत आसिया ने कहा, ये मछली तूने खुद बनाई है? कहा, अच्छी तरह जाकर देख लो कमरे में कहीं मछलियां ढकी छुपी रखी हैं क्या। हजरत आसिया ने पूछा, ये बता अगर ये मछली तूने खुद बनाई है तो ये जो मछली अभी तूने बनाई है ये नर है या मादा है? अभी लाजवाब हो गया, जाहिर है उसने बनाई होती तो उसे मालूम होता कि नर है या मादा है। गुस्से से लाल पीला हो गया, कहने लगा तुझसे बात करना फजूल है। अब मैं मूसा की इस पेशकश का हतमी मशवरा अपने सबसे बड़े वजीर हामान से लूंगा। माफ कीजिए। अच्छा, फिरौन एक इंतहाई जाबिर था, सरकश था। ये चाहता तो हजरत मूसा की पेशकश उसी वक्त ठुकरा देता, लेकिन आखिर इसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बात इसने बताई अपने वजीर हामान को। अभी किससे में आगे जाकर ये बात आएगी। पर अगली सुबह फिरौन ने सारी बातें हामान के सामने रखी, उससे मशवरा तलब किया। और तारीख से वाकफियत रखने वाले लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये शख्स जो उसका वजीर था हामान, ये इतना बड़ा शैतान था कि अगर हम यूं कहें कि फिरौन को फिरौन बनाने वाला शख्स यही हामान था तो गलत ना होगा। हामान ने फिरौन की कहानी सुनी, शोर मचा दिया। इसको हम आजकल की जबान में कहें, एक ड्रामेबाजी शुरू कर दिया, अपना गिरेबान चाक कर दिया, अपनी दस्तार को जमीन पर पटक दिया, कहा हाय ये मूसा ने क्या कर दिया, मूसा ने हमारे खुदा की तौहीन कर दी, नऊज़ बिल्ला। अरे अब फिरौन से कह रहा, आपकी शान तो ये है कि मशरक व मगरिब तक सब आपके पास खिराज लाते हैं, सलातीन आपके आस्ताने की खाक छानते हैं, आप तो खुद नऊज़ बिल्ला पूरी दुनिया के लिए माबूद हैं, क्या आप मूसा की बात मानकर एक अदना गुलाम बनना चाहते हैं? अगर हुजूर आपको मूसा की ही, मैंने आप अगेन मातल की जबान में को ड्रामेबाजी की इंतहा देखिए, कहने लगा अगर हुजूर आपको मूसा की ही दावत कबूल करनी है, पहले एक काम करें, पहले मुझे मार डालें ताकि मैं ये मंजर देख नहीं सकूं, मुझे मार डालें। फिर अपनी बात जारी रखते हुए बड़े तकब्बुर से कहा कि कम अज कम मैं ये मंजर देखने की ताब नहीं रखता कि आसमान जमीन बन जाए, खुदा बंदा बन जाए और हमारे गुलाम आका बन जाए। अब जब हामान ने कुछ सांस लिया तो फिरौन ने अपनी बात शुरू की, अपने दिल की बात बता रहा है फिरौन। कहा हामान, तुझे मालूम है मैंने मूसा की इस पेशकश को काबिल गौर क्यों समझा? कहानी मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। फिरौन ने कहा, मैं चाहता तो उसी वक्त की पेशकश ठुकरा देता लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मूसा ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता करने की बात की, ये बात मुझे कोई ज्यादा पुरकशिश नहीं लगी क्योंकि मैं जब भी बीमार होता हूं काबिल तरीन हकीम फौरन मेरे इलाज के लिए हाजिर होते हैं। मूसा ने मुझे लंबी उम्र का कहा, ये बात भी मेरे दिल को नहीं लगी क्योंकि इस वक्त भी मेरी उम्र 300 साल है और क्या चाहिए। मूसा ने मशरिक व मगरिब की हुक्मरानी की बात की, इस बात ने भी ज्यादा मुतासर नहीं किया। मैं समझता हूं ये बात भी, ये चीज भी है मेरे पास पहले से। मूसा ने आखिरत के फवाइद पर भी बात की, इस बात ने भी ज्यादा मुतासर नहीं किया। मैंने सोचा ये तो सारी उधार की बातें हैं, मुझे अभी नख्त मिलने वाली कोई चीज मुतासर कर सकती है। ऐ हामान, मूसा ने जो आखिरी नेमत की बात की ना, वो मेरे बड़े दिल को लगी, वो थी मेरी जवानी का लौट आना, मेरे बालों का दोबारा स्याह होना। मूसा की इस पेशकश ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुझसे मशवरा लूं कि इसकी बात मान ली जाए या नहीं। हामान जो कि मैंने कहा बहुत बड़ा शैतान था, उसने कहा आली जा, इतनी सी बात से परेशान हो गया, ये तो मैं कर सकता हूं ये काम, आज शाम आपके पास आऊंगा आपको जवान बना दूंगा। फिरौन को तसल्ली हो गई। अगली शब हामान ने एक बर्तन में पानी डाला, उसमें काला रंग डाला, उसे अच्छी तरह हिलाया, फिरौन के पास आया। फिरौन के सर और दाढ़ी के बाल जो उस वक्त बिल्कुल सफेद हो चुके थे उन्हें खिजाब कर दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं यह दुनिया का पहला खिजाब था। मैं किस्सा तमाम कर रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। जब अगली सुबह फिरौन दरबार में आया, हर दरबारी ने कहा वाह क्या बात है हुजूर, आप तो फिर से जवान हो गए। और ये अपनी दकियानूसी सोच पर स्या मलमाकारी करके ये समझ बैठा कि मैं वाकई जवान हो गया हूं।
उसने हजरत मूसा की पेशकश ठुकरा। मौलाना रूम ये कहते हैं कि हामान का ये मशवरा जहर कातिल था। हामान जैसे शैतान ने अपने मफादात की खातिर एक बहुत बड़ी अच्छाई का रास्ता रोका और उसके साथ ही पूरी दुनिया के हुक्मरानों को मशवरा दिया कि आंखें खोलो और अपने इर्द गिर्द बैठने वालों पर नजर रखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हामान बनके तुम्हारी रियाया की फलाह को अपने मफादात की भेंट ना चढ़ा दे। हामान ने अपनी भी आकिबत तबाह की, फिरौन का भी बेड़ा गर्क किया। और आखिरी जुमले, वो बेनियाज बादशाह है, बेनियाज। अगर सारी दुनिया, एक फिरौन क्या, सारी दुनिया ईमान ले आए तब भी उसकी बादशाहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया, एक फिरौन क्या, सारी दुनिया काफिर हो जाए तब भी उसके अला कुल्ले शैइन कदीर होने पर भी जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐ परवरदिगार, सच तो यही है कि जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।